सुधीर जी आपने अच्छा बताया कि बुद्ध धर्म क्या है, लेकिन बुद्ध धर्म एक बुद्धम शरणम गच्छामि करके आता है जी जी, तो उसी तरह एक संघ होता है बुद्ध संघ, वो तो संघ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा और रोशनी बताएं, क्योंकि आज हम काफी चाहते हैं कि बुद्ध के बारे में काफी सारी बातें हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। देखिए, पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का और अच्छे लोगों का और बहुत ही ऐसे लोगों का जो आगे पढ़ाते भी थे, जो मास्टर प्राइमरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के, या जो ग्रेजुएशन के मास्टर या मास्टर्स डिग्री के मास्टर या फिलोसफी के डॉक्टरेट के मास्टर यानी प्रोफेसर डॉक्टर, उस समय जो बुद्ध ने सारे पढ़ाए वो आगे भी पढ़ाते थे और वो सब लोग साथ रहते थे। तो जो चीज़ें साथ रहती है उसको संघ बोलते हैं। संघ मतलब एक तरह से आज डेट में हम इसको कलेक्शन बोलते हैं या संगठन बोल सकते हैं जी। तो वो जो अच्छे लोगों का जो जमवाड़ा था, यानी जो उनके टीचर जिनको हम भिक्खु बोलते थे या भिक्खुनी बोलते थे उस समय, भिक्खु का मतलब है भ्रमण करते हुए शिक्षा देना जी। और भिक्खुनी का मतलब है जो भ्रमण करते हुए शिक्षा दे रही है जी। तो ऐसे लोगों का जो जमवाड़ा, जो कलेक्शन होता था, जो संग्रह होता था, जो वो एक साथ ग्रुप में रहते थे, उसको उन्होंने संघ कहा। और ये हमेशा सम्यक होता है, सम्यक संघ। सम्यक का मतलब है सही बात को बताने वाले लोगों का संघ जी। मतलब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अगर संघ है और उसमें चोर आ जाए तो चोरों का अगर ग्रुप हो गया, ग्रो हो गया, तो उसको संघ नहीं बोला जा सकता जी। भगवान की भाषा में, पाली भाषा में संघ का मतलब पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग थे जो आगे पढ़ाने काम करते थे, जो समाज को एक रूपता और एक समानता लाने का, समता लाने का सारा काम करते थे और सबको शिक्षित करते थे, और वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं और एक सी शिक्षा। तो वो जो संघ है वो बुद्ध का एक तरह से पूरी चलती फिरती यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो जगह जगह जाके देते थे। तो संघ बहुत ज्यादा मशहूर था और भगवान संघ को इतना ज्यादा मान देते थे कि कोई भी चीज अगर आती थी तो वो संघ में बराबर सबको दी जाती थी।